मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन 5 द गेस्ट। गेस्ट का मीनिंग होता है मेहमान। आप सभी ने पढ़ा होगा लेसन में भी नसरुद्दीन को जैसे उस रिच मैन ने बुलाया था अपने घर पर, लेकिन जब वो फटे पुराने कपड़ों में था तो उसका वेलकम नहीं किया गया, लेकिन जब वो अच्छे कपड़ों में था तो उसको बड़े अच्छे से बुलाया गया, उसको अच्छे से खिलाया गया, खाना वाना खिलाया। तो इसका मतलब ये नहीं होता क्या हम उस कपड़ों को देख के ही हम उस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आइए हम अपनी नोटबुक में राइट करेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फुलिशनेस, सेकेंड है प्रेजेंस, थर्ड है सस्पिशियसली, फोर्थ है रिकॉग्नाइज, फाइव है आपका डिलाइटफुल, सिक्स है प्रिपेयर्ड, सेवन अराइव, एट कॉर्टयार्ड, नाइन स्प्रिंकल, टेंथ रिस्पेक्टफुली। अब हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। देखिए, लेजेंडरी फेमस प्रसिद्ध, शेबेस्ट होता है मोस्ट एंटिटी, काफ़ी गंदा, चिली कोल्ड ठंडा, फ्रेड क्या होता है वियर ऑफ घिस जाना, स्वेचेस क्या होता है पीस ऑफ क्लॉथ कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं, ब्रैक क्या होता है टॉर्न एंड टैटर्ड फटे पुराने, सस्पिशियसली विद मिसट्रस्ट क्षमता से, एलिजेंट मैनी गुड लुकिंग मनोहर जो सुंदर दिखाई दे, टेक अ स्टिक टू यू बीट यू पीटना, हैंडसम स्मार्ट लुकिंग सुंदर दिखाई देना, यूज इट क्या होता है एस्कॉर्टेड मेहमान, स्पून द सूप क्या होता है प्योर द सूप चम्मच, फाइनली शॉई एंड एक्सपेंसिव क्लॉथ एंड ऑर्नामेंट सच धस कर जैसे ही नसरुद्दीन उनके घर पर गया था उसे तैयार होने को बोलते हैं। बेटा, ये सभी आपने डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर लेने और लर्न कर लेने। ओके स्टूडेंट्स।